देश भर में गर्मी की मार ऐसी है कि लोग बाहर निकलना ही भूल गए हैं। कई लोग बाहर भी निकलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन ये मुसीबत और बढ़ जाती है जब घरों में पावर कट शुरू हो जाते हैं। मालूम है कि हर चीज़ें आजकल जो पंखे हैं, एसी हैं, सभी बिजली से ही चलती हैं, लेकिन जब पावर कट होता है तो और परेशानी बढ़ती है। फिर भी कई लोग जो बाहर आते हैं उनको कड़ी धूप का सामना करना पड़ता है, लू लगने का खतरा है। आपको भी मालूम है पूरे झारखंड में जो गर्मी है वो अपना ही रिकॉर्ड पिछला तोड़ रही है। पलामू में 50 डिग्री पार कर चुका है, रांची में भी माहौल यही है। कई लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, बाहर हैं, उनसे बात करेंगे क्या परेशानी हो रही है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, एकदम सीमा चरण पर गर्मी है। आपको अभी देखिए पूरा एक बोतल पानी पी गए, गर्मी था इसीलिए जरूरी है। हाँ। अगर मान लीजिए किसी को लू लग जाता है तो क्या करते हैं आप लोग? हम लोग गांव में आम पका कर पीते हैं घोल करके। हाँ। आम से काम चल जाता है, डॉक्टर के पास आने का जरूरत नहीं पड़ता है? हाँ, गांव में तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो डॉक्टर परेशान की जरूरत है। यहाँ पे है पावर कट से भी परेशानी रहता है। आप किस इलाके से हैं? सैनिक कॉलोनी। सैनिक कॉलोनी और मांझी से बिजली वहाँ वितरण होता है, कट होता है बिजली, परेशानी रहता है घर में। अच्छा, क्या नाम है आपका? जय सियाराम। जय सियाराम जी। सर आपका नाम क्या, एक बार हेलमेट? ओम नारायण गुप्ता। ओम नारायण गुप्ता। आपके इलाके में भी पावर कट बड़ी समस्या है? हाँ, पूरा तबाही है। लाइट भूक बाक रहता है। कंप्लेन कभी करने का प्रयास करते हैं? ना, हम लोग कंप्लेन नहीं करते हैं। किसके पास कंप्लेन किया? किसके मालूम ही नहीं है। मालूम ही नहीं है। गर्मी तो बाहर भी निकलने में बहुत मुश्किल हो रहा है, लोग नकाब लगा के चेहरे पे घूम रहे हैं बाहर धूप में। और घर में एसी पंखा सब बंद तो और मुसीबत बढ़ जाती है। बीमार कोई हुआ है अभी तक आप लोग के घर में? हाँ, यही बीमार है। आप गर्मी से बीमार हो गए हैं? गर्मी से बीमार हो गए हैं, बीपी बढ़ गया है। अच्छा, आप बिहार से यहाँ आए? बिहार से आए हैं। तो मौसम चेंज हो गया? मौसम चेंज हो गया है, गर्मी के चलते बाहर में आके बैठे हुए हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब क्या बोले, रांची के रहने वाले हैं? नहीं, गिरिडीह का रहने वाले हैं हम। यहाँ जाँच करवाने आए थे, जाँच बोला कि 3 दिन के बाद में मिलेगा, बैठे हुए हैं। तो इसलिए बाहर आ गए छाँव में पेड़ की हम जानते हैं। घर में कोई नहीं, सिर्फ हम दो परिवार है। कैंसर पेशेंट ले आए यहाँ पर डेट पर डेट। ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट हमको चाहिए। हाँ, रिपोर्ट देते हैं, कब इलाज होगा उसका तो अंत ही नहीं है। ये आप लोग गर्मी से बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। मनीष जी, गर्मी बहुत सता रहा है रांची वालों को, झारखंड वालों को भी। अब कहिए मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी बहुत ज़्यादा पिया जा रहा है। इसके लिए देखिए बोतल का बोतल लेके चल पिया जा रहे भरने। बाबा का लीजिए, बाबा बूढ़ा लोग को तो और सतर्क रहने को कहा। अरे अब कहा कहें, हमको तो बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन इसी तरह चलना ही है। हाँ, बहुत ज्यादा कठिन हो गया गर्मी, बहुत कठिन गर्मी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार के काराकाट कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हूँ। मतलब आप अपना जिला का नाम नहीं बताया, काराकाट बताया। कंस्टिट्यूएंसी का नाम बताया हूँ, क्योंकि अभी अभी माहौल है इलेक्शन का। अच्छा, बिहार में कैसा गर्मी पड़ रहा है? बिहार में इससे ज्यादा है। इससे ज्यादा है? हाँ, 47-48। अच्छा, तो आपका बगले में पलामू है, वहाँ 50 पहुँच गया है। चलिए बाबा, बहुत परेशानी हो रहा। पानी नहीं पी रहे ना? हाँ, पानी पी रहे हैं। आप तो सूती पहने हैं, बहुत आरामदेह होता है जी। सूती डॉक्टर लोग कहता है कि हल्का कपड़ा पहनने से बढ़िया रहता है गर्मी में। हाँ, तो सब तो वही पहने हैं। गर्मी कितना परेशान कर रहा है रांची वालों को इस बार? काफी परेशानी कर रहा है, ऐसे ज्यादा है कि जगह जगह पे ट्रैफिक हो रहा है, उसके कारण और ज्यादा दिक्कत हो रहा है। ट्रैफिक रोड पे तो पूरा हीट हो रहा है, रोड लग रहा है कि भाप निकल रहा है वहाँ से। हाँ, वो तो है, परेशानियाँ है बिल्कुल। पावर कट्स होता है अपने इलाके में? होता है, लेकिन अभी वैसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा। न्यू एजी कॉलोनी में रहते हैं तो उधर इतना पावर का दिक्कत नहीं है। पावर कट उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है। गर्मी सहन करने लायक है या फिर पार कर चुका है सीमा?
क्या कहेंगे गर्मी पे? देखिए इस बार तो गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, तो हम लोगों को अपने पर्यावरण के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ताकि प्राकृतिक रूप से जो हमारा पर्यावरण है वो ठंडा रह सके, और उसके लिए अभी तो गर्मी की तपिश भी बहुत ज़्यादा है, तो इससे हम लोगों को बचकर ही चलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लिक्विड लेना चाहिए ताकि अगर डिहाइड्रेशन होने की चांसेज भी है तो ना हो, और हमें लू से बचना चाहिए। अभी तो हम लोग रिम्स के परिसर में हैं, तो आसपास पेड़ पौधे हैं, तापमान थोड़ा कम लग रहा है यहाँ पे, तो तापमान काफी। जब आप बाइक से अभी चलाएंगे रोड पे कितनी कठिनाई हो रही है लोगों को? रोड पे तो जब हम लोग चलते हैं तो वहाँ पे तो ट्रैफिक ही नहीं है, लोग गर्मी में लोग बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत है काम का वही लोग बाहर निकल रहे हैं। और दूसरी चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि रोड पे है जो जब हम लोग चलते हैं तो लू के और धूप के थपेड़ों से हम लोगों का बहुत समस्या हो रहा है, और उस समस्या में हम लोग देख रहे हैं कि उसी से तो बचना है ताकि हम लोग का जो फिजिकल है जो हेल्थ है जो ख़राब ना हो। पावर कट्स कितनी बड़ी समस्या बन रही है, पावर कट्स हो रही हैं? हाँ पावर कट बहुत हो रहा है इस गर्मी के मौसम में, जो पावर कट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए हमारे राज्य सरकार को कि पावर कट की समस्या ना से ना हो। बिजली खपत अधिक है लेकिन पर्याप्त मौजूद नहीं है, इसलिए पावर कट तो समस्या है। हाँ जी देखिए गर्मी लू में तो सभी को परेशानी होता ही है, आज 4-5 दिन से गर्मी में सब परेशानी है। आपको तो दिन भर बाहर रहना पड़ता है, ड्राइव करना पड़ता है, जब गाड़ी चलाते हैं तेज चलाते हैं तो काफ़ी हवा आता है घर में? नहीं हवा जहाँ भी रुकते हैं गर्मी में एकदम लथपथ पूरा पसीने से ये हो जाते हैं, तो क्या बोले गर्मी से तो बहुत परेशानी हो ये रहे है हम लोग को। पहले से अधिक पड़ रहा है गर्मी? हाँ जी हाँ पहले से अधिक पड़ रहा है अभी। क्या हो गया पहले से अधिक पड़ रहा है? जी हम पहले से अधिक पड़ रहा है। क्या उपाय आप अपने से लगाते हैं बचने के लिए? देखिए हम लोग का उपाय कुछ नहीं है, बस हम लोग तो देखिए रहे हैं फिर खुद आप कि हम लोग के पास कोई उपाय अभी नहीं है, हम लोग जो जैसे है हम लोग को डिलीवर करना ही करना है। अब क्या करें गर्मी है ही तो क्या करेंगे। लेकिन गर्मी तो हर साल आता है लेकिन इस साल अधिक है क्या? इस साल अधिक है। अधिक है? हाँ अधिक तो है। कहाँ रहती हैं आप? हम तो तेतर टोली में रहते हैं। पावर कट होता है, बिजली गुल होता है? बहुत, इतना गुल होता है कि हर 5-5 मिनट में आ रहा है और जा रहा है, बिजली आता है जाता है। आप पंखा डोलते रहता है ऊपर? क्या करें पंखा बिजली रहेगा तब ना, पंखा डोलते रहता है वैसे ही बिना बिजली का ही। तो मतलब बाहर भी धूप परेशान करता है, घर में बिजली कट तो? घर बाहर दोनों जगह वही बराबर है, सोच लीजिए। इधर देख के बात करें, देखिए काम। हाँ बहुत, आप छाता लेके भी निकली है देखिए। छाता लेके तो गर्मी है ना, इसीलिए छाता लेके निकले हैं। अब इतना गर्मी में तो छाता लेके नहीं निकलेंगे तो धूप में मर ही जाएंगे। पानी कैसे बचाव करती हैं आप धूप से? एक तो छाता हो गया। हाँ दूसरा पानी नहीं भरपूर, डॉक्टर लोग कहते हैं बहुत पानी पीजिए। हाँ पानी पीजिए बोल के बोलते हैं तो पानी पीते हैं। अच्छा शिकायत होता है सरकार से कि बिजली देना चाहिए पूरा? अब सरकार भी क्या करेगी, इतना आदमी इतना ज़्यादा है कि सरकार भी क्या करेगी, सरकार भी तो कोशिश करता ही है कि हम दे सबको सब चीज़ का पूर्ति करें, लेकिन वो भी क्या करें। एसी से चलता है आसपास, वो तो बहुत बिजली ले लेता है। वो सब हम लोग गरीब आदमी कहाँ से एसी चलाएं? तो गरीब आदमी पंखा से काम चलाता है, अमीर लोग एसी चलाते हैं। पंखा भी नहीं रहता, कपड़े अलग मकान में रहते हैं, किसी तरह पेड़ उड़ के नीचे रह लेते हैं और क्या गर्मी में। एक छोटा पंखा रहता है हाथ से ऐसे करने के लिए, वो झेलने वाला वो आजकल वो भी नहीं मिलता है, पेपर ऊपर कार्टून उटून वाला रहता है उसी से झेल लेते हैं। आपने देखा कि लोग गर्मी से कितने परेशान हैं, इससे बचने के लिए वे अपने स्तर पर तरह तरह के घरेलू उपाय अपना रहे हैं, लेकिन कई बार ये उपाय बढ़ती गर्मी के सामने हल्के पड़ जाते हैं। इसी मसले पर हमने रिम्स के वरिष्ठ डॉक्टर संजय सिंह से बात की। सर जिस प्रकार से अभी देश भर में हीट स्ट्रोक का असर चल रहा है, रांची में भी बहुत से केसेस आ रहे हैं, झारखंड में पलामू में टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब जा रहा है, क्या प्रिकॉशंस हैं, किस तरीके का चल रहा है? हाँ ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कि ये तो हर साल देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। इसमें सबसे ज़रूरी है कि गर्मी का शरीर पर जो असर होता है ना उसको कम करना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आदमी को डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए, शरीर से जो पसीना निकलता है, शरीर पर जो गर्मी के कारण वाष्पीकरण होता है ज़्यादा, इनसेंसिबल लॉस करते हैं हम लोग, लोगों को पता नहीं है शरीर से पानी की कमी होती है, उसमें कमी नहीं होना चाहिए। हर आदमी को चाहिए अभी ढीला और
सूती कपड़ा पहने ताकि इवेपोरेशन जो निकलता है पसीना उसका पूरा प्रॉपर वे में इवेपोरेशन हो पाए, और पानी साफ पानी बार बार पिए। ठंडा पानी से ज़्यादा जरूरी है कि रूम टेम्परेचर का पानी बार बार पिए कि शरीर में पानी की कमी नहीं हो। अब कुछ लोग पूछते हैं कि पानी की कमी है या नहीं, कैसे पता चले? जिस नियमित रूप से पेशाब होते रहना चाहिए। अगर पेशाब हुआ है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सवेरे उठते हैं तो शाम में पेशाब होता है, ये गलत है। इसका मतलब है कि पानी की कमी है। एक कलर से ही पता चलता है कि अगर कलर से भी हल्का पता चलता है उससे, लेकिन ज़्यादा जरूरी है कि पेशाब जरूर होना चाहिए। जितना फ्रीक्वेंसी है उतना जरूर होना चाहिए। रिम्स में क्या स्थिति है आपके वार्ड में? रिम्स में तो पूरे जैसे सब अस्पताल का हाल है वही रिम्स का भी है। जिनको मान लीजिए नहीं एडमिट होना चाहिए फीवर के कारण, उनको एडमिट करना इसलिए पड़ रहा है कि टेम्परेचर हायर डिग्री में हो रहा है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होने के कारण किडनी फेलियर हो रहा है। तो इसमें यही ध्यान दीजिए कि रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स पी के बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, उससे बचें। और जो एसी से बाहर निकलते हैं वो थोड़ा कम टेम्परेचर कम करते हुए बाहर निकले। जिन लोगों को लू लग चुकी है, गर्मी लग गया है, कब उनको डॉक्टर्स के पास आना चाहिए? पेशाब अगर कम हो, टेम्परेचर 104 के करीब हो जाए, पेशेंट की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, तुरंत अस्पताल पहुँचे। बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स ये सब न पिए, पानी लेके चलें, एडिक्वेट अमाउंट में पानी पिए। पेशाब ज़्यादा होगा, ना हाई टेम्परेचर होगा, ना किडनी खराब होगा, ना हार्ट फेलियर से भी बचेंगे। ये थे कुछ ऐसे उपाय जिनकी मदद से आप खुद को बढ़ते तापमान से बचा सकते हैं। लेकिन बढ़ते तापमान के बीच मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब अचानक से आपके घर की बिजली गुल हो जाए। बीते दिनों झारखंड में भी यही हुआ, कई इलाकों में घंटों तक बिजली गुल रही। सुनिए JBVNL के रांची क्षेत्र के जनरल मैनेजर प्रभात कुमार झा ने इस पर क्या कहा। रांची क्षेत्र में कितनी तैयार थी बिजली विभाग इन चीज़ों को लेकर? पिछले दिनों जो भी अपना गर्मी रहा तो उस समय में कुछ मेरे ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड के कारण खराब हुए, तो उन सभी ट्रांसफार्मर को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। जितने भी ट्रांसफार्मर खराब हुए, जिसमें कि 100 KVA के कुछ ट्रांसफार्मर्स थे, कुछ 200 KVA के ट्रांसफार्मर्स थे, कुछ आपको 63 KVA के ट्रांसफार्मर्स थे, तो हर दिन करीब हम लोग 8 से 10 ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर रहे हैं कि ताकि ट्रांसफार्मर जलने के कारण किसी को समस्या नहीं हो। इसके बावजूद भी कई जगहों पे पावर कट्स देखे गए। जी, पावर कट चूँकि एक फीडर में हमारे लगभग 100 से ऊपर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो किसी ट्रांसफार्मर का अगर फ्यूज वगैरह उड़ता है या अपना कोई भी ट्रांसफार्मर बंट हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमको फीडर का शटडाउन लेना पड़ता है। तो इस काम में लगभग आधा घंटा लगता है। तो कुछ कुछ एरिया में ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का या ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट का या कुछ कंज्यूमर ग्रीवांसेस के रिड्रेसर है तो शटडाउन लेना पड़ता है, इसलिए थोड़ी मोड़ी आपूर्ति में बाधा होती है। लेकिन हम सभी का प्रयास है कि हम लोग निर्बाध रूप से राजधानी को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। कितनी नीड है रांची क्षेत्र? यहाँ पे अर्बन एरिया में कुल मिलाकर के 360 मेगावाट बिजली की आवश्यकता हुई है 2-3 दिन पहले, जो कि मेरा मैक्सिमम डिमांड था। तो वो सभी पावर हमें आपको ग्रिड से मिल रहा है, ग्रिड से कहीं कोई समस्या नहीं है। पूरी पावर है रांची के पास? जी जी, बिल्कुल अवेलेबल है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जो भी इश्यूज है ट्रांसफार्मर के ओवरलोडिंग के कारण हो रहा है, लेकिन उसको भी जहाँ जहाँ पे शिकायतें मिल रही है, हमारी टीम ने युद्ध स्तर पे काम किया है, और प्लस हम लोग 24/7 काम कर रहे हैं फील्ड में। जाहिर सी बात है, एसी वगैरह? बिल्कुल, लोड मेरा लगभग आपका रांची शहर का लोड 20 से 25 मेगावाट इंक्रीज हुआ है इधर इस साल गर्मी में। लेकिन जो भी लोड का रिक्वायरमेंट है हमें आपको फुल लोड ग्रिड से मिल रहा है, और उसकी कोई समस्या नहीं है बिजली के। जहाँ पर भी बिजली की समस्या, किसी भी एरिया में बिजली की समस्या आ रही है, तो हम लोग उसको युद्ध स्तर पे उसको मेंटेन कर रहे हैं। पूरे झारखंड में इस बार गर्मी ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। पलामू में तो तापमान 50 डिग्री के आंकड़े को पार कर चुका है, यह कई दशकों के बाद हुआ है। इसके पीछे का कारण जानने के लिए हम पहुंचे पर्यावरणविद और भूगोल शास्त्री डॉक्टर नितिश प्रियदर्शी के पास। सुनिए उन्होंने इस मसले पर क्या कहा। देखिए, पलामू में जो आप बताया 47 डिग्री कोई नया नहीं है, पलामू शुरू से गर्म रहा है, वहाँ ठंड भी काफ़ी पड़ती है, पाला भी पड़ता है, तो वो हमेशा से रहा है पलामू। दिक्कत अब क्या हो रही है, जो इतना जो तापमान बढ़ रहा है, देखिए 42-44 जाना, अब क्या है 42-44 का ड्यूरेशन लंबा हो जा रहा है। पहले क्या होता था कि 42-44 गया नहीं कि बारिश हो जाती थी, वो बारिश अब नहीं हो रही है। हमारे जो शहर है रांची के, ऑटोमोबाइल्स भर गए हैं, गाड़ी जाम, ट्रैफिक जाम, सब एग्जॉस्ट फेंक रहे हैं, एसी भरा हुआ है। पहले तो हम लोग एसी सोचते भी, तो हम अपने होश में बता रहे हैं 70s में अगर पंखा चलाते थे गर्मी, बारिश अगर होगी तो कंबल ओढ़ते थे बिना एसी के।
तो वो समय से लेकर आज तक इतना चेंजेस कारण वही है कि हम जंगल हटाए हैं, कंक्रीट के जंगल बढ़ा दिए हैं, और जिसको कहते हैं वैज्ञानिक तरीके से बनाना वो नहीं किए हैं। और उससे क्या हो रहा है कि कंक्रीट का जो जंगल बन गया ना, वो हीट रेडिएट कर रहा है रात को भी, वो दिन में अब्जॉर्व कर ले रहा हीट को, रात को छोड़ रहा है, जिसके चलते आपको रात को भी गर्म हवा चल रही जो रांची में नहीं चलती थी, रात को भी यहाँ लू चल रहा है। अगर मैं रांची की बात करूँगा, अभी भी आज भी अगर आप यहाँ से कांके जाते हैं, तापमान रांची शहर से 2 से 3 डिग्री कम मिलेगा अभी भी। बरियातू आप चले जाइए, जहाँ थोड़ा ग्रीन पैच एरिया है, 1-2 डिग्री का फर्क हो जाता है। और मांझी बूटी मोड़, हाँ 1-2 डिग्री का, और मांझी नहीं बूटी मोड़ बरियातू रोड 1-2 डिग्री का फर्क हो जाता है। आप करमटोली से आप आइए, इधर से जाइए करमटोली में, थोड़ा सा जो वेटलैंड एरिया है साइड में, आप देखिएगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा तापमान में कमी आएगी, हल्की ठंडी हवा रहेगी। संथाल में अभी क्या हुआ है कि बारिश वगैरह हो गई है ना, जो आपका आया था साइक्लोन रिमल, हाँ रिमल जो आया था रिमल, बारिश हो गई वहाँ तो तापमान कम हो गया। अच्छा वहाँ भी आपका माइनिंग तो हो ही रहा है, क्रशर्स वगैरह चलता है संथाल वगैरह में, स्टोन रॉक्स चलता है। रांची की तरह वहाँ कंजेशन नहीं है, आबादी और पॉपुलेशन और गाड़ी का इस तरह का जाम होना, जिधर भी हम निकल रहे हैं वो जाम हो रहा है, और जाम में कह रहा मशीन जो एग्जॉस्ट गर्म ग्रीन हाउस गैसेस फेंक रहे हैं वो भी तो ट्रैप हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस कहीं रिलीज नहीं हो रहा, उसी एरिया में ट्रैप हो जा रहा है, वहाँ गर्मी बढ़ी। पहले जो था कि यहाँ पर हम लोग को 1942 में जे बी ऑर्डन जो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने साफ कहा था कि रांची के भूमिगत जल पर विश्वास मत कीजिएगा, यहाँ सरफेस वाटर पर जाइएगा, क्योंकि यहाँ के नीचे का बोरिंग धोखा दे जाएगा। उस वक्त 42 में जब ब्रिटिश आर्मी को लाया जा रहा था, वो यहाँ पर उस वक्त ये हुआ था। और दूसरा क्या है कि गर्मी से जो हम लोग परेशान हो रहे हैं ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हम ही बोलेंगे परेशान नहीं होना है, गर्मी भी जरूरी है। अगर ये जो 9 दिन की गर्मी जो शुरू हुई है अगर नहीं रहेगा, तो इस ये गर्मी आने से बहुत सारे बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े ये सब मरते हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, बैक्टीरिया जो बीमार पड़ते हैं लोग इस वक्त ये मरता है गर्मियों में। हम जैसे हमको देख रहे होंगे पसीना चल रहा है, चल में क्या हर जगह पसीना, ये तो आपका कूलिंग सिस्टम काम कर रहा है बढ़िया शरीर का, तो हमको डरना नहीं है, इंजॉय करना है। कुल मिलाकर बात यही है कि पूरे प्रदेश में गर्मी का यही हाल है, लोग धड़ल्ले से जंगलों को उजाड़ रहे हैं और फिर जलवायु परिवर्तन का रोना रोते हैं। लोगों की बढ़ती जनसंख्या और अनियोजित विकास के कार्य इसके कारक हैं।